ताकि मियाओं के ना माथे पे बल नहीं आए तो क्या पका दिया ये क्या खिला दिया है ना। कुछ दिनों तक तो खा सकते हैं लेकिन वो आदि है मर्द हजरात जो है कि वो गोश्तखोर होते हैं बहुत मुश्किल से आते हैं सब्जियों की तरफ। लेकिन और घर में बच्चे भी कितना तंग करते हैं सब्जियों पे लेकिन अगर उन्हें आप अच्छी तरह से बनाएं वैरायटी में बनाएं डिफरेंट करके रेसिपीज। अच्छा आप सब अपने घर की कहानी बताएं मुझे बताएं आपके घर में अभी बकरीद पे कितना गोश्त 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 हुआ। देखिए कहते हैं सब है कि गोश्त नहीं खाना लेकिन साथ में सब्जी बनती है तो सब्जी को ऐसे साइड डिश लिया जाता है और खाना गोश्त ही होता है। ऐसे लगता है खाना ही नहीं बना घर में अगर गोश्त नहीं बनता तो ये तो मर्द हजरात को तो गोश्त के बगैर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये होता है कि आप उस गोश्त में भी भिंडी डाल दें अच्छा टिंडे डाल दें लौकी डाल दें कोई सब्जी जरूर डालें पालक डालें कि वो गोश्त की जो है ना वो तेजाबियत और जो तेजी है वो कम हो जाए। हाँ, मतलब कुछ तो सब्जी जाए मतलब अगर आपने पालक गोश्त बनाया हाँ, वो भी बहुत अच्छा बनता है भिंडी गोश्त तो कहते हैं अच्छा इसमें भिंडी डाल दो चलो सब्जी के साथ तो वो चल तो वो थोड़ा सा बैलेंस होता है। तुम बताओ तुम्हारे घर में क्या फरावानी है गोश्त और इस सब जैसे कि सना ने कहा वी आर आल्सो मीट ईटर्स हमें बहुत मतलब एंजॉय करते हैं हाँ वी डू और रेड मीट का एक अलग ही फ्लेवर है बीफ इज माय फेवरेट मेरा भी फेवरेट लेकिन वही वाली बात ना जब आप बहुत ज्यादा बीफ खाए तो हैवी हो जाता है। एग्जैक्टली तो ईद पे स्पेशली जो बकरीद है हालांकि कुर्बानी हो रही होती है लेकिन ब्रेकफास्ट हम स्टार्ट करते वेजिटेबल से ही इन द सेंस के पूरी तरकारी का नाश्ता होता है। तो इस दफा मैं लंदन में थी वही हमारा पूरी तरकारी हलवा लेकिन फिर लंच से जो मीट के आइटम स्टार्ट होते हैं तो लंच भी डिनर भी फिर बारबेक्यू होना बकरीद पे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो घर में मसाले लग रहे हैं तो आई थिंक फर्स्ट थ्री डेज वाज ऑल अबाउट मीट निदा। एक दिन हमने बारबेक्यू कर लिया था वी वर आउट हम लंदन से थोड़ा बाहर गए हुए थे वी रेंटेड अ मैनर तो वहाँ पे पिकनिक हो रही थी वहीं पे हमने बारबेक्यू नाइट की उसमें कबाब बोटी व्हाट नॉट एंजॉय तो बहुत किया। अच्छा वहाँ तो ठंडक है खैर है यहाँ तो बारबेक्यू हो रहा है पसीने गिर रहे हैं आदमी लगे हुए हैं अल्लाह खाने का मजा तो आता है और ईद की सुबह पहला नाश्ता जो होता है कलेजी हर घर में कलेजी हमारे यहाँ लंच तक में बनती है क्योंकि लंच ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ बहुत जल्दी सुबह 7 बजे हो जाता है ना नमाज के फौरन बाद उस वक्त तक कुर्बानी स्टार्ट हुई होती है तो फिर कलेजी पे बनती है बाय द टाइम बनती है वो लंच का टाइम हो जाता है तो वी हैव इट फॉर लंच। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे घर में जितनी गोश्तखोर आप है तो आपके हस्बैंड भी उतने ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो नाश्ते में भी खोर में खाते हैं। हाँ तो मैं वही बताने लगी थी कि कुर्बानी में तो टाइम लगता है तो हमारे यहाँ सुबह नाश्ता भी जो है लाइक कोरमा या इस तरह की कोई चीज होती है पराठे एंड शेर कोरमा कोरमा जरूरी है। वर्कआउट करती हो तुम वर्कआउट करती हो ये इनको मैंने डराने के लिए बुलाया है गोश्त के कुछ नुकसानात मैंने बताए लेकिन फिर आगे डिटेल में माशाल्लाह अर्ज किया है। चले थोड़ी सी टाइम लूंगी क्योंकि यूरिक एसिड के बारे में बताना है जो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है जी। अच्छा देखिए सबसे पहले तो आपकी बॉडी में एक सब्सटेंस होता है प्यूरीन वो 60% आपका बॉडी बनाता है 40% आप फूड से लेते हो और हम जो बरेसगीर पाको हिंद स्पेशली पाकिस्तान में कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर गोश्त नहीं खाया जाता पालक नहीं खाया जाता बहुत सारी और चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन दालें ये सब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी भी बना रहा होता है और दूसरी बात है अब नया ज़माना आया है सबको पतला रहना है तो कीटो डाइट पे चले जाओ कीटो पे एटकिंस पे हाँ तो हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर देते हैं। एक तो आपका प्यूरिन जो है आपकी बॉडी बना रहा होता है फिर आप फूड से लेना शुरू कर देते हैं तो वो एक सब बनाता है क्या क्रिस्टल पार्टिकल बना लेता है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं वो आपका पहला स्टेप है आपकी किडनी को ख़राब करने का। यानी कि देखिए किडनी एक ऐसा हमारा फिल्टर प्लांट किडनी रिलीज करती है ना वो क्रिस्टल जी बिल्कुल वो किडनी रिलीज करती है। अब जब किडनी ही पे प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या कि फ्लूइड बनाना शुरू कर देगी अंदर रखना शुरू कर देगी तो उससे क्या होगा उससे आपके पाँव में सूजन आ जाएगी पाँव में भी हाथों में भी आ जाती है जो जॉइंट्स हैं आँखों की गिर्द आ जाती है वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएगा और आपके जोड़ों में शदीद दर्द होगा उसके बाद
आपको जो है ना यूरिक एसिड की वजह से गाउट यानी गठिया का दर्द शुरू हो जाएगा, उसके लिए आप पूरी जिंदगी फिर दवाइयों पर आ जाएंगे, फिर आपको हार्ट के मसले हो जाएंगे यूरिक एसिड की वजह से, फिर आपका लीवर ख़राब हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं किस वजह से, आपकी ग़िज़ाई बिगाड़ की वजह से। पता है अगर आप कंपैरिजन करें, मैं ना शक्लें देख के बता सकती हूँ, जैसे एक सर्टेन एज में 50s में अगर मैं आदमियों और औरतों को देखती हूँ तो मैं शक्लें देख के बता सकती हूँ कि इनकी डाइट क्या होगी। अच्छा। एक गोश्त खाने वाले जो आदमी और मुर्गन ग़िज़ाएं खाने वाले लोग होते हैं उनकी शक्ल पे ना एक सख्ती और एक इस तरह की थोड़ी ड्राउनी ड्राउनी सी आ जाती है। नहीं नहीं मैं बता रही हूँ तो कैनिबल बना कहने का नहीं, सीरियसली। और जो 50s के बाद जो लोग, मैं 50s के बाद की बात करूँ, और जो वीगन है और जो वो इस तरह के लोग हैं, सो मैं उनको देखती हूँ उनके चेहरे पर एक नज़ाकत सी होती है, ग्लो होता है, एक ग्लो होता है, उनकी स्किन चमकती है, तो मैं देख के बता सकती हूँ कि ये जो है ना ये सब्जियाँ ज्यादा खा। अच्छा, रवि होनी चाहिए, बहुत कोसों दूर है अभी, 50s से बहुत दूर हो तो, क्योंकि देखिए आपका मेटाबॉलिज्म मीट ना, देखिए मीट अच्छी चीज है लेकिन मीट को भी एक लिमिट में खाना चाहिए, उसको मिक्स कैसे करना है सब्जियों के साथ, क्योंकि मीट के अंदर इटसेल्फ इतना फाइबर नहीं होता ना, उसको भी उतना प्योरीन होता है, फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी से उसको बाहर भी तो करना है ना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद, तो उसके लिए हमें वेजिटेबल्स। अच्छा जरा मेन्यू बताएं ना, अब अगर फर्ज करें गोश्त के शौकीन लोग देख रहे हैं हमें, मेन्यू बताएं हफ्ते में कितनी दफा गोश्त खाएं, कितनी दफा दाल खाएं, कितनी दफा वाइट मीट लें, कितनी दफा भिंडी मतलब लाइक सब्जियां लें। बहुत आसान सी बात है, देखिए दाल और सब्जी तो आपने रोज ही लेनी है। रोज कैसे? देखिए एक वक्त का खाना दाल सब्जी कह रही हैं, दाल और सब्जियों को मिक्स करके लेना, ये सबसे बेहतरीन खाना है कि आपने अनाज कम से कम लेना है, दालों का इस्तेमाल अच्छा करना है, सब्जियों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि जैसे भी डॉक्टर बिल्कीस ने कहा कि कोई पेशेंट जो कि ऑलरेडी यूरिक एसिड का शिकार है तो वो सर्टेन सब्जियों को लिमिट में लेगा, ठीक है, सर्टेन दालों को लिमिट में लेगा, वो राइस ले लेगा, वो इसकी जगह और दूसरी चीजें लेगा, कद्दू का इस्तेमाल कर सकता है, भिंडी का इस्तेमाल कर सकता है, बैंगन का इस्तेमाल कर सकता है, लौकी का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा देखिए एक मिनट, जरा हम आते हैं ना टेक्निकल चीज पे चलते हैं। अब गोश्त बना हुआ है, सब्जी नहीं पसंद, कद्दू का रायता बना सकते हैं, बिल्कुल रायता बना सकते हैं, बैंगन का रायता बना सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन में खा, दही तो, दही तो जरूरी होती है, आप गोश्त के साथ दही जरूर खाएं, है ना, विटामिन सी जरूरी है गोश्त को हजम करने के लिए। अच्छा तो क्या विटामिन सी? लींबू, लींबू बेहतरीन बेहतरीन है आपकी बॉडी को पीएच को बैलेंस करने के लिए। आप सुबह उठें जो गोश्त खो रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि आप लींबू पानी जरूर पिए। अच्छा जरूर पिए भाई, मैंने सुना है कि ज्यादा लींबू पीने से भी यूरिक एसिड। नहीं बहन वो तो ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। हम पता है लींबू को ये समझते हैं लींबू पी लिया हड्डियां दर्द होने शुरू हो जाएंगी, कैल्शियम बॉडी, अक्सर लोग मेरे पास आए और कहते हैं हम लींबू का इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम तो बॉडी से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे साथ खुद हो चुका है, मैं आपको बता, मैं लींबू पानी पीती थी बहुत ज्यादा, तो फिर मुझे दर्द होना शुरू किया, मैंने डॉक्टर को दिखा, उन्होंने टेस्ट कराया तो उन्होंने यूरिक एसिड है, तो उन्होंने कहा लीमू जो है ना आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है, आप इसकी जगह एप्पल साइडर विनेगर पिए, दोनों शहद डाल के पानी हल्का गर्म करें, उसमें एप्पल साइडर विनेगर और शहद डालें, दोनों लीमू एक ही। नहीं नहीं मैं आपको बताती हूँ, आपको लीमू से नहीं हुआ, सिट्रिक लेमन में ना लाइम में सिट्रिक एसिड होता है, वो आफ्टर 40s कुछ लोगों को उससे एलर्जिक हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनका कार्टिलेज पे फर्क पड़ता है, तो हो सकता है उनमें से एक आप हो। सुने मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई क्लिनिक है, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान नहीं है, वो क्लिनिक लग रहा है और मैं पेशेंट बैठी हुई हूँ। पूछे सवाल तुमने, हाँ मतलब पूछे तो मैं वो काट ले जो पता नहीं किस पे चली गई था। होता ये है कि यहाँ लोगों को इतना पता ही नहीं होता कि जो सही चीज, बस लोगों को गलत समझ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। सो यहाँ हमें जवाब मिल गया, अब हम रेसिपीज पूछते हैं।